हेलो बच्चों, लास्ट में हमें वेरिएबल के बारे में डिस्कशन किया था। अब उसके बाद वाला टॉपिक है इफ स्टेटमेंट। यू मस्ट बी फेमिलियर विथ अ कंडीशनल स्टेटमेंट इफ़। ओके, जो हमें कहीं भी कंडीशन अप्लाई करनी है वहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। द कंडीशनल स्टेटमेंट इफ इज़ यूज्ड टू चेंज द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। कई बार हमें प्रोग्राम का फ्लो चेंज करना है तब भी हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। द इफ स्टेटमेंट इवेल्यूटेड अन एक्सप्रेशन टू वैलिडेट स्पेसिफिक कंडीशन। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द प्रोग्राम एंटर इफ ब्लॉक एंड एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इनसाइड इट। इसका मतलब हमें ऐसा बताया गया है कि अगर मैंने इफ स्टेटमेंट का यूज़ किया तो मैंने जो एक्सप्रेशन लिया है, अगर मैंने जो कंडीशन ली है वो अगर मेरी ट्रू हुई तो वो ब्लॉक में जाके वो एग्जीक्यूट करेगा। ओके, इन अवर एग्जाम्पल वी हैव यूज द इफ स्टेटमेंट टू चेक वेदर द वेरिएबल एक्स इज़ हैविंग नल वैल्यू और नॉट। अभी हमने आगे जो एग्जाम्पल देखा है इसमें एक्स का मतलब क्या है तो वो चेक करेगा कि हमने एक्स में जो वैल्यू ली है वो नल है या नहीं है। इफ द वैल्यू एक्स इज़ हैविंग नल वैल्यू देन द स्टेटमेंट इनसाइड द ए ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूट। अगर हमारी एक्स की वैल्यू जो नल हुई तो वो क्या करेगा, इफ ब्लॉक को ब्लॉक में वो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अब उसके बाद है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। हमने आगे अभी हम जावा का जो प्रोग्राम लिखेंगे उसमें डॉक्यूमेंट डॉट जे एस ए डॉट नेम डॉट वैल्यू वो क्या है, तो वो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। समटाइम यू मे वॉन्ट टू यूज जावास्क्रिप्ट टू कंट्रोल द वेब ब्राउज़र। ओके, वेब ब्राउज़र को कंट्रोल करने के लिए हम कई बार जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल यू मे वॉन्ट टू चेंज द वेब पेज और कंट्रोल द एलिमेंट ऑफ द वेब पेज। ओके, हमें वेब पेज पे जो उसका एलिमेंट्स है वेब पेज में उसको चेंज करने के लिए और उस पर कंट्रोल करने के लिए उसका यूज़ हम कर सकते हैं। द कंट्रोल द वेब ब्राउज़र विंडो और द वेब पेज वी यूज़ द ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। बच्चों आपको इसका फुल नेम याद रखना है, बी ओ एम, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। वो क्या करता है, टू कंट्रोल द वेब ब्राउज़र विंडो और द वेब पेज वी यूज़ द ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। हमारा जो वेब ब्राउज़र है और उसमें जो वेब ब्राउज़र का विंडो है उसके अंदर जो वेब पेज है उसको कंट्रोल करने के लिए बी ओ एम यानी कि ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल का हम यूज़ करेंगे। ऑल द ब्राउज़र आर स्प्लिट इन टू डिफरेंट पार्ट और ऑब्जेक्ट दैट कैन बी एक्सेस यूजिंग जावास्क्रिप्ट। जो हमारे पास अलग अलग ब्राउज़र है वो ऑब्जेक्ट को पार्ट में ऐसे पार्ट में डिवाइड करेगा और उसका यूज़ करेगा। दिस पार्ट आर नाउ एज द ब्राउज़र मॉडल। जो हमने ब्राउज़र ऑब्जेक्ट में जो पार्ट्स वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के जो पार्ट्स हमने किए थे वो पार्ट्स को हम ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल बोलेंगे। ऑन द टॉप ऑफ दिस ब्राउज़र हायरार्किकल्स इन द विंडो ऑब्जेक्ट एज शो इन द फिगर। हमने इसका सारा का सारा डायग्राम यहाँ पे दिखाई दिया है। देखो ये विंडो है, उसके अंदर फ्रेम, पेरेंट, सेल्फ, ये सारा का सारा ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल का चार्ट है। ओके, वो इस तरह से वर्क करेगा। हमें तो ये विंडो, डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म के अंदर ये सारे के सारे बटन ही यूज़ करने हैं जो हमने फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट किए थे। ओके, इन रिप्रेजेंट द हर्च ऑफ द एंटायर ब्राउजर अलॉन्ग विद द टूल बार, मेनू बार, स्टेटस बार, वेब पेज एंड मेनी मोर्स। यानी कि जो अहीं जो टूल बार है, मेनू बार है, स्टेटस बार है और वेब पेज, कई सारे घटक एलिमेंट्स जो है वो हमने यहाँ पे लिए गए हैं।
We can use the properties and the method of the object in the browser object model to change the window or elements display in the browser. वो browser object model window के elements को display करने के लिए और change करने के उसकी properties से या उसकी method और object से उसके लिए use होगा. We do not have to create an object in a browser object model. They are created automatically when the browser open the web page. जब भी हम browser में अपना web page open करेंगे तो browser object model automatically वो create हो जाएगा. वो हमें start करना नहीं पड़ेगा. The top level object in the browser object model is window object. आपको बच्चों ये याद रखना है कि जो टॉप लाइन है, जो टॉप है वो क्या है, तो के विंडो ऑब्जेक्ट. विंडो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द ब्राउजर विंडो और इंडिविजुअल द फ्रेम विथ इन द विंडो. वो क्या करेगा, तो के वो रिप्रेजेंट करेगा, तो के जो अलग अलग विंडो है वो ब्राउजर में अलग अलग विंडो है वो उसको रिप्रेजेंटेट करेगा. इफ इट इज़ क्रिएटेड ऑटोमेटिकली बाय द ब्राउजर, वो भी ब्राउजर में ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा. द ब्राउजर ऑब्जेक्ट इज द ग्लोबल ऑब्जेक्ट एज इट कंटेन ऑल द अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल विथ इन इट. फॉर द एग्जाम्पल, विंडो ऑब्जेक्ट कंटेन द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट. वी यूज द मेथड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द विंडोज. ओके, ऑब्जेक्ट टू कंट्रोल द वेब ब्राउजर विंडो वाइल द मेथड एंड प्रॉपर्टी ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट आर यूज टू कंट्रोल द वेब ब्राउजर. क्या हमें बताया गया है कि अगर मैंने डॉक्यूमेंट्स में जो मेथड या प्रॉपर्टीज कुछ भी जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में ली गई है और वो जो मैंने वेब ब्राउजर में डिस्प्ले की गई है उसकी प्रॉपर्टीज पे वो कंट्रोल करेगा. ओके, उसका यूज़ वेब पेज पे डॉक्यूमेंट्स के जो वेब पेज है उसकी प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होगा. द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट इन द ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल. याद रखना है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल का इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, तो के वो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट. इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द वेब पेज डिस्प्ले इन द ब्राउजर. वो वेब पेज को रिप्रेजेंट करेगा और उसको डिस्प्ले करेगा. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द वेब पेज लाइक अ फॉर्म, इमेज, लिंक्स एंड अदर आर कंटेंट विद द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट. वो सारे के सारे एलिमेंट वेब पेज को या फॉर्म होगा, इमेज होगी, लिंक होगी, ओके, वो सारे के सारे घटकों को वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर वो इंक्लूड करेगा. फॉर द एग्जाम्पल, द फॉर्म ऑब्जेक्ट विच इज यूज बाय जावास्क्रिप्ट टू रिप्रेजेंट फॉर्म, द फॉर्म क्रिएटेड यूजिंग द फॉर्म एलिमेंट्स इज विथ इन द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट. एक एग्जाम्पल दिया गया है, अगर मुझे जावास्क्रिप्ट में फॉर्म क्रिएट करना हो तो मैंने ये टैग लिया, ए एलिमेंट्स फॉर्म एलिमेंट्स लिया. Just as the document object contain a form object, similar the form object contain element object. The element object is used to reference each elements in a form. The element object can be radio, text, checks box or any other object. वो elements form में हमें लिए है, वो इसको वो क्या करेगा, okay? तो उसको वो रिप्रेजेंट करेगा. तो वो एलिमेंट में हम क्या ले सकते हैं, तो कि वो टेक्स्ट बॉक्स होगा, रेडियो बटन होगा, चेक बॉक्स होगा, एनी अदर ऑब्जेक्ट हम फॉर्म में लेके उसका वो यूज़ करेगा. ओके, अब दी गई है फोकस मेथड. इन द स्क्रिप्ट वी हैव ऑल्सो यूज द मेथड नेम फोकस. हमने आगे जो वो एलिमेंट्स का जो कोष्टक देखा था, टेबल देखा था, उसमें फोकस मेथड थी, फोकस एलिमेंट था. ओके, उसका यूज हम कहाँ पे करेंगे. इट इज़ यूज टू अप्लाई फोकस ऑन अ पर्टिक्युलर एलिमेंट ऑफ द फॉर्म. फॉर्म के कोई भी पर्टिक्युलर एलिमेंट में मुझे जाना हो तब भी हम फोकस का यूज करेंगे. दस आफ्टर द यूजर गेट्स अन अलर्ट मैसेज कॉलिंग द
focus method, the cursor will be placed inside the element and the particular element will be highlighted. इसका मतलब क्या होगा? अगर मुझे focus method मैंने use की है, okay? अगर मैंने वहाँ वो element पे उसके कर्सर में वहाँ ले गई तो वो क्या करेगा? हमें जहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना है वो उसको वहाँ पे चला जाएगा और उसको वो हाईलाइट करेगा. द नेम एलिमेंट विल बी फोकस्ड, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? फोकस मेथड. देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, आगे भी इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था. मैंने नेम लिया, अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करके नेम लिख दिया और सबमिट कर दिया तो मुझे कोई अलर्ट नहीं आएगा, कोई मैसेज नहीं आएगा, ओके? लेकिन मैंने ये बॉक्स ऐसे एम्प्टी छोड़ दिया और मैं सबमिट पे क्लिक करती हूँ तो हमारा फोकस यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमने वो अलर्ट करेगा कि ये जो टेक्स्ट है वो आप ऐसे एम्प्टी छोड़ सकते हैं नहीं, ओके? देखो इस तरह का इसका आउटपुट होगा, वो आपको अलर्ट करेगा कि प्लीज एंटर द नेम. पहले आप वो नेम को फिल करिए, उसके बाद भी आप उसको सबमिट करिए, ओके? उसी हिसाब से दूसरा वाला प्रोग्राम भी जावास्क्रिप्ट का आपको दिया गया है. मैं एक प्रोग्राम आपको कैसे जावास्क्रिप्ट में यूज करना है वो मैं आपको लाइव कंपोजर में सिखाऊंगी, कैसे हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, ओके? ये दूसरा वाला प्रोग्राम भी इसी तरह का है. पहले में हमने एक ही वेरिएबल लिया था एक्स वाला, इसमें दो लेके आपको समझाया गया है. लेकिन इस प्रोग्राम में हमें क्या नया सीखना है? देखो, जावास्क्रिप्ट फॉर वैलिडेटिंग नेम एंड पिन कोड, हमें आगे जो प्रोग्राम देखा था वो एक ही था, यानी कि एक ही बॉक्स का था नेम का, ओके? इस बार दो बटन यानी कि दो पार्ट लिए हैं, नेम और पिन कोड के दो टेक्स लिए हैं, दो टेक्स, ओके? लेकिन इस प्रोग्राम में हमें एक चीज नहीं दिखाई दी गई है, इज नन. वो उसके बारे में मैं आपको सिखाती हूँ. वो क्या है? वो इज नन मेथड, ओके? टू वर्क विथ इन न्यूमेरिक वैल्यू जावास्क्रिप्ट यूज बिल्ट इन फंक्शन, ओके? अगर मुझे कुछ भी न्यूमेरिकल डेटा यानी कि कुछ काउंटिंग वाले डेटा एंटर करना हो, ओके, तो इसमें इनबिल्ट फंक्शन आता है. वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड न्यूमेरिकल फंक्शन इज अ नन. तो उसके लिए हम नन का यूज करेंगे, ओके? आपको याद रखना है एन ए एन नन मेथड का यूज, हम विधेय का यूज कहाँ पे करेंगे? तो के न्यूमेरिकल फंक्शन के लिए, ओके? अब उसका नाम भी आपको याद रखना है, नोट अ नंबर, ओके? तो फंक्शन इज नन डिटरमाइंस वेदर द वैल्यू इज नन इफ द रिटर्न ट्रू इफ द वैल्यू इज नोट अ नंबर एंड फॉल्स इफ द वैल्यू इज अ नंबर. तो वो नन फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा? तो कि वो है ट्रू और फॉल्स. तो कहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा और कहाँ पे वो फॉल्स रिटर्न करेगा? आपको याद रखना है, अगर मेरे पास जो वैल्यू है वो नंबर नहीं है, यानी कि नोट अ नंबर, मेरे पास जो भी वैल्यू मैंने डाली है वो नंबर नहीं है, तो वो मुझे रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फोर. बच्चों नीचे एग्जांपल दिए गए हैं, वो भी आपको याद रखना है क्योंकि इसके एमसीक्यू भी आपके बुक्स में दिए गए हैं, ओके? इस फंक्शन में इसका यूज, उसका फुल नेम, कहाँ हम ट्रू यूज करेंगे, कहाँ हम फॉल्स यूज करेंगे. देखो यहाँ पे एग्जांपल इस तरह से दिया गया है कि इज नन, इसमें मैंने डाला 1, 2, 3, तो वो मुझे क्या रिटर्न करेगा? तो के फॉल्स. क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा तो फॉल्स इफ द वैल्यू इज अ नंबर. जब भी हम वैल्यू में नंबर एंटर करेंगे तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा? तो के फॉल्स, ओके? अब है मैंने यहाँ पे हेलो रिटर्न, हेलो वैल्यू डाली है तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा? तो के ट्रू, ओके? देखो यहाँ हमने क्या बोला था कि अगर मैं
कोई भी वैल्यू में नंबर ना डालूं, नोटर नंबर में नंबर नहीं डालती, तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा? तो के ट्रू। आपको इतना ही याद रखना है कि अगर आप वैल्यू के हिसाब से नंबर डालते हैं तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर मैं नंबर की जगह कोई स्ट्रिंग डालती हूँ तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। क्लियर? दस यूजिंग इफ अ स्टेटमेंट वी चेक इफ वाई इज एम्प्टी नोटा नंबर और नोटा इक्वल टू सिक्स डिजिट, इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज वायलेटेड देन द अलर्ट मैसेज विल बी डिस्प्ले टू द यूजर। अभी आपने आगे ये प्रोग्राम ने मैंने बताया था कि ये हमें फंक्शन सीखना है, तो ये y क्या करेगा? तो वो चेक करेगा कि हमने लेंथ कितनी दी है, तो के सिक्स कैरेक्टर, ओके, सिक्स से बड़ी या सिक्स से छोटी, ओके, क्योंकि पिन कोड नंबर सिक्स डिजिट के ही होते हैं। अगर मैंने बड़ा डाल दिया अथवा तो सिक्स से कम डाला तो वो मुझे क्या करेगा? तो वो मुझे अलर्ट डिस्प्ले करेगा। ओके, क्लियर बच्चों? इसी तरह से चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू बच्चों।